के कहने पर रश्मि ने बढ़ाया तेजस्वी की ओर दोस्ती का हाथ। दोनों ने किया एक दूसरे से वादा, गेम में नहीं करेंगे टारगेट। बिग बॉस 15 के लाइव फीड में आधी रात करण ने करवाई रश्मि और तेजस्वी में पैचअप। दोनों ने फिर एक बार गेम के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, किया वादा कि कभी भी टास्क में नहीं करेंगे एक दूसरे को टारगेट। जी हां, जैसा कि शो 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड हो चुका है और बिग बॉस 15 का ये 15वां हफ्ता है और अब भी घर के सदस्यों को वीआईपी बने रहने के लिए करना पड़ रहा है कड़ी मेहनत। इतने में बीते रात जहां तेजस्वी से शमिता ने उनसे वीआईपी का ताज छीन लिया, तो वही नॉन वीआईपी के सहमति से प्रतीक को दिया गया वीआईपी बनने का मौका। लेकिन प्रतीक तेजस्वी में कौन है सबसे ज्यादा वीआईपी बनने के लायक, इसके लिए बिग बॉस ने दिया घर वालों को बीबी साइकिल टास्क। अब इसी टास्क के दौरान जहां घर के बाकी कंटेस्टेंट प्रतीक को सपोर्ट करते दिखे, तो वही रश्मि खेली तेजस्वी और करण के लिए। हालांकि तेजस्वी और रश्मि दोनों नहीं हैं दोस्त, ना ही एक दूसरे से करते हैं सही तरीके से बातें। यहां तक कि दोनों ने नॉमिनेशन टास्क में एक दूसरे को नॉमिनेट भी किया। पर जब बीते रात करण ने रश्मि को यह दिलासा दिया कि तेजस्वी, करण और रश्मि बन सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग टीम, तब रश्मि ने करण के बातों में आकर बढ़ाया तेजस्वी की ओर दोस्ती का हाथ, किया पैचअप। जहां दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि टास्क में एक दूसरे के खिलाफ जाकर नहीं करेंगे कभी भी एक दूसरे को टारगेट, जिससे तेजस्वी और रश्मि के बीच दिखी दोस्ती। वेल, क्या ये दोस्ती आगे भी इस तरह बरकरार रहेगी या फिर से रश्मि और तेजस्वी के बीच दिखेगा मनमुटाव? क्या लगता है आपको, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बिग बॉस 15 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के लिए हमारे चैनल देसी फिट पर नजर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।